नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोवो क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी20 मैच को स्थगित कर दिया गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर को हुआ कोरोना। भारत और श्रीलंका के बीच चल रही टी20 सीरीज के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच को टाल दिया गया। खबरों की माने तो श्रीलंका में हो रही सीरीज के लिए कोलंबो में मौजूद भारतीय टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद दोनों टीमों के सदस्यों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। अब सभी टीम मेंबरों का टेस्ट किया जाएगा। समाचार एजेंसी के हिसाब से अगर बाकी खिलाड़ी रिपोर्ट में नेगेटिव आते हैं तो मैच बुधवार यानी कि 28 जुलाई को खेला जाएगा। ये सीरीज बायो सिक्योर बबल यानी बिना दर्शकों की मौजूदगी में खेली जा रही थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि भारतीय ऑलराउंडर के पॉजिटिव आने के बाद दोनों टीमें आइसोलेशन में हैं और अब सब सही रहा तो मैच को बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाना था। दोस्तों, उम्मीद है कि भारतीय टीम के ऑलराउंड जल्द से जल्द ठीक होकर पवेलियन में लौटेंगे। दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।